Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. वैसे यह कि जब हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो मन बहुत ज़्यादा भटकता है, लगातार इधर उधर भागता दौड़ता रहता है, कंसंट्रेशन करने की कोशिश करते हुए नहीं हो पाता है। ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में जो मन भाग रहा है उसको देखो। मन भाग रहा है, भाग रहा है, उसको देखना शुरू करो। खुद मन में शरीक मत बनो, खुद इन्वॉल्व मत बनो। एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि मन के विचार आप नहीं। हमें लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही मैं हूँ, मेरे विचार, मेरे मन में चल रही भाग दौड़ वही मैं हूँ। हकीकत में वह आप नहीं, वह आपके द्वारा की गई रिकॉर्डिंग है। जो आपने पहले रिकॉर्डिंग कर रखी है वही भाग रही है, वही दौड़ रही है। जहाँ जहाँ आपका अटैचमेंट है वही वही चीज़ आपके सामने आ रही है। जहाँ जहाँ आपने कुछ मान्यताएं बना रखी है, जैसे कि मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ, जैसे कि मैं धार्मिक नहीं हूँ, जैसे कि मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ लेकिन लगता ही नहीं है, ये भी एक मान्यता है। ऐसी मान्यताएं बना रखी तो वो मान्यताएं आपके सामने बार बार आती है। आपको क्या करना होगा कि उन मान्यताओं को भी देखना सीखो, इन्वॉल्व मत करो। क्योंकि ध्यान का मतलब ये नहीं है कि विचार ना आए, ध्यान का मतलब ये है कि विचारों में जागृति रहे, विचारों में खोना नहीं, मन भागदौड़ ना करे, ऐसा ध्यान नहीं होता है। मन भागदौड़ करे पर आप मन नहीं हो, आप मन के साक्षी हो जाओ। ठीक ऐसे जैसे आप अपने खिड़की में बैठे हो और सड़क पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, तो आप उनको देख रहे हो, आपको पता है वो आप बच्चों को देख रहे हो, लेकिन आप बच्चे नहीं देखते, आप उनके बीच में भी जाते हो, आप केवल देख रहे हो। ठीक ऐसे मन को देखना का अभ्यास करो, और ये अभ्यास है। तुरंत रिजल्ट पे मत पहुंचो कि मन में विचार ही ना आए, ऐसा होगा तभी ध्यान होगा, ऐसा नहीं। मन में विचार आ रहे हैं तो आने दो, हाँ अगर हो सके तो उन विचारों में शोध बुद्धि पैदा करो कि इस टाइप के विचार क्यों आ रहे हैं। शोध बुद्धि लाओ, जैसे ही शोध बुद्धि लाओगे वैसे ही स्वाध्याय की प्रक्रिया शुरू हो जाए। स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्वयं का अध्ययन करना। जो विचार आ रहे हैं तो विचारों का अध्ययन करो, विचार क्या है, क्यों आ रहे हैं, किस तरह के विचार, इन विचारों को बार बार करने से मुझे क्या होने वाला है, ऐसे एक एक विचार के ऊपर प्रश्न पैदा करो। और धीरे धीरे आपको हैरानी होगी कि वो विचार आ रहे हो ऐसा नहीं, आप विचारों को ला रहे हो। फिर आप और खुश होगी, क्यों ला रहा हूँ ऐसे विचार, आपको पता लगेगा कि आपके अंदर कोई भी चीज, कोई ना कोई बात को लेकर के कुछ अटका है। क्योंकि जहां अटकते वही विचार बार बार घूमते हैं, वही विषय बार बार याद में आता है। आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, खाना खा लिया, खाने के विचार आता है क्या? नहीं आता। आपको भूख लगी लेकिन आपको खाना नहीं मिला, तब खाने के विचार आते। तो विचार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अटकाव है, अतृप्ति है, विसंगति है, कुछ न कुछ मान्यता या सोच का आग्रह है, इसीलिए वही में विचार आते हैं। और भी बड़ी बात कि हमें अटकने में भी मजा आता है, उस मजे को भी देखो ना, कितना रस है हमको अपनी अटकाव में। हम खुद तो अटकना चाह रहे इसीलिए तो अटक रहे, आप खुद ही अपने आप को कमजोर बनाना चाह रहे इसीलिए कमजोर हो। तो शोध बुद्धि लाओ एक बार, अपने विचारों का अध्ययन करना शुरू करो। तो दूसरी बात कि जब विचारों को आपने चुना है तो जो विचार आपने चुने वो आ रहे हैं तो उसका ऑपोजिट पोल के विचार भी आप चुन सकते हो। और अब उसका ऑपोजिट पोल के विचार कैसे चुनना? जैसे कि एक आदमी को भूख लगी और उसको खाने के विचार आ रहे हैं तो अपने आप को कह सकता है कि खाना मिलने तो वाला है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की तो बात है।
तो उसने अपने आप के विचारों को एक विराम दिया, उसने बोला खाना मिल जाएगा, शांति रख। अब आपको बिजनेस की टेंशन है, बार बार विचार आते, आप अपने आप को बोल भी कर सकते हो कि हर दिन किसी का भी बिजनेस हमेशा ऑफ नहीं रहता है, सही समय आने ही तो वाला है, बिजनेस चलेगा ही। अब आपने अपना आपको फिर एक नया विचार दिया, पर इस विचार को देने से आपके अंदर एक शांति पैदा होती है, एक धीरज पैदा होता है। तो विचारों को चुनना सीखो, सही विचार देने का अभ्यास करो। जैसे जब हम छोटे थे तो हमारे मुंह से अगर कोई अपशब्द निकल जाता, कोई भी बैड वर्ड निकल जाता, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें समझाते हुए कहते नो, ऐसा वर्ड नहीं बोलते, समझाते ना, और हमें समझ में आता हाँ हाँ हमें ऐसा वर्ड नहीं बोलना। तो जब हमें वर्ड बोलते समय ये सजगता दी गई कि तुम्हें किसी को अपशब्द नहीं बोलना, ऐसे ही विचारों के समय सजगता लाओ कि मुझे ऐसे विचार नहीं करना, खुद ही खुद को कहने वाले बनो ना, क्योंकि विचार तो आपके मन में आप ही कर रहे हो, किसी और को तो नहीं पता है। तो आप अपने विचारों को चेंज करो, ठीक ऐसे ही जैसे गाली देते समय तुरंत ख्याल आता आप कान पकड़ के बोलते अरे सॉरी मुझे नहीं बोलना था मैं बोल गया, ऐसे ही जब विचार गलत आ गया ना किसी को नहीं पता, आप अपना कान पकड़ के बोलो हो निष्पन्न हो निष्पन्न हो निष्पन्न हो, ख्याल नहीं निकलो मैंने गलत विचार किया, मैं इस विचार को हटाता हूँ, इसकी जगह एक नया विचार लाता, फिर एक नया विचार ला करके बोलो जो आपकी कमजोरी उसका ऑपोजिट विचार करो। जैसे आप बोलते हो बहुत डर लगता है आज की दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं कह सकता, कल क्या होगा कुछ कह नहीं सकता, अब इसकी जगह ऑपोजिट क्या बोलोगे, डरने की क्या बात है, सब मेरे साथ है, सबका सहयोग मिला, आनंद का भोग मिला, दिल में उजास मिला, सुंदर साज मिला, है ना। अपने विचारों को बदल दो, तो जैसे ही अपने विचारों को बदल देते हो वैसे आपके दिल को सुकून और शांति मिलती है। और ध्यान में क्या करना होता है, विचारों को ही तो बदलना है, उनकी फाइलों को चेंज करना है। अभी अब थोड़े तो अंतिम स्टेज पर मैं चाहूँ कि मैं मेरे विचार हो जाऊँगा, मेरे को कोई भाग दौड़ी बनती ना बचे तो ही मेरा ध्यान होगा, ऐसा नहीं। जब हम घर की सफाई करना शुरू करते हैं तो क्या निकलता है, हम कहते हैं अरे मैं तो सफाई कर रहा हूँ कचरा साफ आ रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है, घर में सफाई रहा हूँ कचरा आ रहा है। सफाई करने का मतलब ये कचरे का दिखाई देना और कचरे का निकलना, ठीक है ना। और कोई आदमी सफाई करे और कचरा ही ना निकले तो हम क्या बोलें, या तो कचरा है नहीं या तेरे को सफाई करना अच्छे से आ जाता, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, देखो